आज 8 अप्रैल है, साल के चौथे महीने का ये 8वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1929 में आज ही के दिन क्रांतिकारी भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। जब वायस राय को पब्लिक सेफ्टी बिल को कानून बनाने के लिए रखा गया, तभी भगत सिंह ने बम फेंका। दोनों ने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद, पर्चे भी फेंके जिनमें जनता का रोष प्रकट किया गया था। बम फेंककर इन्होंने खुद को गिरफ्तार कराया। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए अपने मुकदमे की पैरवी उन्होंने खुद की। इस मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी सुलगाई थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में आजादी की ज्वाला में बदल गई थी। इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड में दो अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और फिर खुद को गोली मारकर घायल कर लिया। अंग्रेज मंगल पांडे के साहस और उनके प्रभाव से इतना डर गए थे कि उन्हें तुरंत फांसी देने का फैसला ले लिया था। कोर्ट मार्शल की औपचारिकता के बाद उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी देना तय किया गया, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई। फांसी चढ़ाने के लिए कोई स्थानीय जल्लाद ना मिला। कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर इस फौजी को फांसी दी गई। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। इसके बाद दोनों देशों के लोगों का विस्थापन चलता रहा। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के मन में कई सवाल थे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और भविष्य में होने वाले युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए 1950 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसे नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना गया। 6 दिन चली बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने समझौते पर साइन किए थे। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का लंदन में निधन हुआ। वो ग्रेट ब्रिटेन की नहीं किसी भी यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 3 बार लगातार ये पद संभाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।